कि ये केवल धन बल की वजह से यहाँ टिकट लेके आए हैं, उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी में तमाम लोग टिकट के दावेदार थे, लेकिन पिछले 5 साल में भागीरथ चौधरी ने इस पूरे अजमेर ज़िले को सांसद विहीन रखा। लोगों ने जगह जगह पोस्ट लगाए कि हमारा सांसद यहाँ से लापता है, और पूरा अजमेर शहर से लगा के दूदू केकड़ी मसूदा पुष्कर और हमारा किशनगढ़ की जनता ने अभी 3 महीने पहले उनको 50,000 से जनता ने जो वहाँ एक मैंडेट दिया, उस मैंडेट का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और मैंने तो उस समय बोला कि ये केवल धन बल की वजह से यहाँ टिकट लेके आए हैं, उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी में तमाम लोग टिकट के दावेदार थे, लेकिन अनुभव के आधार पर 40-50 साल से किसानों की सेवा करते हुए दूध क्रांति के जनक रामचंद्र जी को उन्होंने टिकट दिया। हम सब स्वागत करते हैं और आज बड़े जोश और उत्साह के साथ हम यहाँ फार्म भरने आए। हमारी नेता सोनिया जी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी 6 तारीख को हमारे जयपुर आ रहे हैं, उस संदर्भ में अभी मीटिंग की तैयारियां चल रही है। कल मैं भी मीटिंग में था और निश्चित तौर पर जल्द ही हम 6 तारीख बाद यहाँ एक बड़ा शानदार आयोजन सब हमारे शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से करने जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अजमेर ज़िले में कांग्रेस पार्टी का सांसद रामचंद्र जी के तौर पर बनने जा रहा है। केवल एक ही विधायक के साथ विधायक हारे, कैसे होगी लड़ाई? बीजेपी मजबूत है, एक अकेला सब पे भारी, शेर अकेला होता है। ये लोग जो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं, बार बार मंत्रियों की लाल बत्ती देके यहाँ भेज रहे हैं, उनका धरातल कुछ नहीं है। केवल और केवल जुमलों की ये सरकार है। 10 साल में किसान, जवान और महिला वर्ग बड़ा परेशान है। बेरोजगारी का आलम है इस देश में। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उनको अपनी खरीद नहीं मिल रही है। किसानों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। 700 किसान जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी, उनका पूरा इस बीजेपी सरकार से हमारे यहाँ के अजमेर ज़िले के हमारी लोकसभा क्षेत्र की जनता 26 तारीख को वोट के माध्यम से उनको सबक सिखाने का पूरा प्रयास करेगी।